नमस्कार, मैं मंजू शेखावत। तो आज मैं लेकर आई हूँ राजगिरी के पत्तों की सब्जी। तो इसके पत्ते और सब्जियों की तरह बहुत ही पौष्टिक होते हैं। मिनरल्स होता है इसमें, विटामिन्स होते हैं, और भी बहुत सारे इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इस तरह से इसकी एकदम साफ पत्तियां जो है हम एक एक करके अलग कर लेंगे सब्जी बनाने के लिए। कुछ पत्तियां जो है कटी वटी होती है, तो उन्हें आप अलग निकाल सकते हैं। इसकी डंडियां अलग निकाल दीजिए और सिर्फ हमें पत्तियां ही अलग करनी है सब्जी बनाने के लिए। इसकी सब्जी भी काफी फायदेमंद रहती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सारी पत्तियां जो है अलग कर ली और डंठल अलग निकाल दिए हैं। ये हमारे कोई काम के नहीं हैं। तो इन्हें अब हम नमक मिले पानी में 15-10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। देखिए इस तरह से, ताकि इनकी जो मिट्टी है, एक तो वो अच्छे से गीली होकर पानी में घुल जाए, और दूसरा इनके ऊपर कभी कभी है ना काले जो जीव जंतु से लगे हुए होते हैं, तो वो भी नमक के पानी से धोने से नष्ट हो जाएंगे। तो पत्तेदार जो भी सब्जियां हैं हमें अच्छे से ही धोनी चाहिए। इनमें कुछ जो है कीटाणु छुपे हुए होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। पानी में अच्छे से धोएंगे तो निकल जाएंगे। अब इसे हम साफ पानी से धो लेंगे। सब्जियां बनाते हुए हमेशा साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरी आदत है, मैं जो भी सब्जियां आती है उन्हें पहले नमक के पानी में डुबो कर रखती हूँ, फिर साफ पानी से धोती हूँ और उसके बाद ही सब्जी बनाती हूँ। अब हम कढ़ाई में तेल या घी, जो भी आपको पसंद हो वो लें, और इसमें हम जीरे का तड़का लगाएंगे। जीरा हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे और इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नमक और हल्दी भी डालेंगे बाद में। और आंवले की खटाई से बनाएंगे ये सब्जी। प्याज हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम टमाटर के टुकड़े डालेंगे। और हरी मिर्च, इन्हें अच्छे से पकाएंगे। और तब तक हम आंवले को कद्दूकस कर लेते हैं। एक आंवला डालेंगे हम। आंवला भी विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए ये भी बहुत अच्छा रहता है। चौलाई या राजगिरी के जो पत्ते होते हैं उनकी सब्जी कब्ज के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसके खाने से कब्ज नहीं होती, बवासीर में भी बहुत फायदा करती है, और भी पेट की जो अन्य बीमारियां होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए, कढ़ाई बिल्कुल पत्तों से भरी हुई है, लेकिन जब बनेगी, पकेगी एकदम, उसमें थोड़ी मतलब ये बिल्कुल सिकुड़ कर कम हो जाएगी सब्जी। और इसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी सी फटाफट बन जाती है सब्जी। आंवला डाल देंगे हम, ताकि आंवला भी इसके साथ ही पक जाए और आंवले की खटाई भी अच्छी सी आएगी इसमें। हल्दी और नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च डाली है, इसलिए लाल मिर्च डालने की आवश्यकता नहीं है। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं इसमें। इन पत्तों में बहुत सारा फाइबर होता है, इसलिए ये पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है। लेकिन ये पत्तेदार जो सब्जियां हैं इन्हें अच्छे से पकाकर खाना चाहिए। राजगिरी और चौलाई के पत्तों को अच्छे
अच्छे से पकाना चाहिए ताकि इसमें जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए, नहीं तो इससे पेट में समस्या हो सकती है, जैसे पेट दर्द होना, दस्त होना या जी मिचलाना, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे से पकाकर ही खाना चाहिए। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाया है मैंने, देखते हैं सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। खाने में भी ये सब्जी टेस्टी बनती है और हेल्दी तो होती ही है। अब इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में आप आकर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगली वीडियो में नया कुछ लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।